हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। अचल सिंह दिसाइड फ्रॉम ग्लिटराडी पल फार्म्स। और आज हम जहां पर आए हैं, ये प्रोजेक्ट का हमें काफ़ी टाइम से वेट था। ये जगह जो है उसका नाम है मूर्थल, ये आपका हरियाणा में पड़ता है। बाकी हम अपने क्लाइंट से, विकास जी से पता करेंगे और बाकी इसकी बारीकियां भी समझने की कोशिश करेंगे। ये तालाब कैसे बना, कितना बड़ा इसका प्रोजेक्ट साइज है, कैसे क्या आगे काम होगा, क्या रिजल्ट रहेंगे, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको अपने जो हमारे क्लाइंट हैं उनसे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। उनका नाम विकास कुमार है और बाकी जानकारी उन्हीं से लेते हैं। हाय विकास जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। विकास जी, ये जो आपने पॉन्ड बनाया, एक बार पॉन्ड की तरफ थोड़ा दिखा दीजिए एक बार, बहुत धीरे से, थोड़ा स्लो मोशन में लेके जाइएगा ताकि पूरा दिख सके। थोड़ा सी इधर आ जाइए आप लोग, एक बार पॉन्ड दिख जाए अच्छे से। इसमें देख सकते हैं आप, दो पैडल व्हील एलिवेटर्स लगे हुए हैं। ये एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है और इसमें नीचे आप देखेंगे ब्लैक कलर का पॉन्ड लाइनर लगा हुआ है। साथ में एक रेलिंग है यहाँ पर लोहे की जो रन कर रही है ऐसे स्ट्रेट। बिल्कुल आप थोड़ा सा इधर हो जाएंगे, सब लोग इस तरफ हो जाइए, बिल्कुल आगे तक जा रही है उसी तरीके से। उस तरफ भी एक रेलिंग हमने लगाई है लोहे की, ताकि परमानेंट सोल्यूशन मिल सके। पहले हम बैम्बू स्टिक का यूज़ करते थे, लेकिन वो उसका सोल्यूशन परमानेंट नहीं होता था, वो गल जाते थे, टूट जाते थे। तो इस तरीके से किया गया। बाकी अब हम जानकारी विकास जी से लेते हैं। विकास जी, इसका साइज़ क्या है पॉन्ड का? सर, इसका साइज 200 फीट लेंथ है और 80 फीट वाइड है। 200 फीट आपका लेंथ है और 80 फीट वाइड है, और 10 फीट इसकी डेप्थ है। 10 to 11 फीट इसकी डेप्थ है। आपने देखा होगा कि पूरा पॉन्ड जो बना हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम वेल मैनेज पॉन्ड है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया, इधर एक प्रॉपर रेलिंग है, पॉन्ड लाइनर प्रॉपर लगाया गया है। जिस हिसाब से इस पॉन्ड का साइज है, उस हिसाब से क्या बोलते हैं, इसमें दो पैडल व्हील एरेटर्स ऑक्सीजन के लिए हमने लगाए हैं। इधर इंजन रखा हुआ है कि अगर कोई टेक्निकल फेलियर हो जाए इलेक्ट्रिसिटी का या पानी का, तो हम इंजन का यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से उधर भी पूरी, उस तरफ सेंड में भी पूरी सुविधा की गई है। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट साइज़ क्या है इसकी, क्योंकि कई लोग बार बार पूछते हैं, चलिए आप कॉस्टिंग नहीं बताते, इन्वेस्टमेंट बताते नहीं हो, आप बस सीधी बात करते हो कि इतना रिजल्ट आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा आज इन्वेस्टमेंट पे भी बात करेंगे और रिटर्न पे भी बात करेंगे। तो विकास जी, जो आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका साइज़ क्या है, कितने मसल्स, कितने सीपो से हम ये काम कर रहे हैं? मेरा 80,000 सीप मसल्स का मेरा प्रोजेक्ट है। अच्छा, चलिए 40 rupees पर मज़ल की कॉस्टिंग पे आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर 40 rupees पर मज़ल की कॉस्टिंग पे हम 80,000 का करेंगे तो 32 lakhs, 33 lakhs के आसपास की कॉस्टिंग आएगी विद GST, और एक्स्ट्रा कॉस्ट आप लगा लीजिए इस पे कि ये पॉन्ड बनाने में आपकी क्या कॉस्टिंग आएगी? 1 lakh rupees के आसपास इसकी कॉस्टिंग आई है कि जेसीबी वाले ने 1 lakh rupees चार्ज किए इनसे इतना बड़ा पॉन्ड खोदने के लिए। फिर पॉन्ड लाइनर की क्या कॉस्ट रही आपकी? पॉन्ड लाइनर की अप्रोक्सीमेटली बनाना 1.5 lakh इसका मेरा। आप मान लीजिए 1.5 lakh rupees आपका पॉन्ड लाइनर जो पन्नी बिछी हुई है उसमें 1.5 lakh rupees उसमें लग गए इनके, तो 2.5 lakh rupees ये हो गया। उसके अलावा आपने पिलर्स वगैरह लगाए और ये फेंसिंग वगैरह की सारी, अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट इसका भी 1 lakh के आसपास पड़ गया। 3.5 lakh rupees हो गया, 3.5 lakh rupees कॉस्टिंग आई तालाब को बनाने में, रेलिंग्स वगैरह लगाने में, पाइप फिटिंग्स करने में, छोटी छोटी चीज़ों में। इसके अलावा दो पैडल व्हील रेटर्स आपने लिए, ये क्या कॉस्टिंग की आपकी? इसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी है 30,000 पर व्हील, पर पैडल व्हील रेटर इनको 30,000 के आसपास का मिला है। तो दो लगे तो 60,000 की कॉस्टिंग ये लगा लीजिए, तो ये मोटी मोटी कॉस्टिंग आपकी 4,10,000 के आसपास पहुंच गई। और मिसलिनियस कॉस्टिंग वर्कर इसकी छोटी मोटी आप 70-80,000 रुपये वो भी लगा लीजिए, राइट? तो आप मान के चलिए 4 lakh rupees पूरे लग गए इसमें विदाउट आपका जो अमाउंट है, मतलब जो आपका टोटल अमाउंट बना था 32 lakh rupees का, 40 rupees पर मजल के हिसाब से 80,000 मजल्स का, उसके अलावा 4 lakh, मतलब 36 lakh के आसपास का सारा हिसाब किताब बैठा जाके आपका। अब ये तो होगी इन्वेस्टमेंट की बात कि इतना इन्वेस्टमेंट लगा इनका पहले साल में 80,000 सीप करने में। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, ROI की। तो ROI जो है हमारा 15 to 18 months में आ जाता है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें जो वापस रेवेन्यू जनरेट होता है इसकी सेल से, वो 15 to 18 months में हमको मिल जाता है। तो जैसे मैं बार बार अपने वीडियोस में भी बोलता हूँ, फिर से वही बात एक बार रिपीट कर देता हूँ नए दर्शकों के लिए, कि 40 to 60% सीपे आपको अच्छा रिजल्ट देके जाती हैं जो बिकने लायक माल होता है। कुछ कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं कभी कभी, कुछ लोग बोलते हैं चल जी अगर रिजल्ट ही 40% है उसका, अगर 40% करेंगे तो कैसे होगा, फिर समझ नहीं आई बात कुछ। तो देखिए, मेरे कहने का जो तात्पर्य हमेशा रहता है वो ये रहता है कि जो बिकने लायक माल होगा वो 40 to 60% सीपे देके जाएंगी। मोर्टैलिटी हो सकता है 20% ही रहे, 30 रहे, 35 रहे, 40 रहे आपको, लेकिन बेचने लायक माल मिनिमम 40 और मैक्सिमम 60-70 तक चला जाता है। तो अगर हम इसका 40% भी कैलकुलेट करते हैं 80,000 सीप का, तो 32,000 सीप आ जाती हैं आपकी। सॉरी, 40% कैलकुलेट करते हैं तो 32,000 सीप के हिसाब से एक सीप में दो मोती हुए तो 64,000 टोटल आपके मोती आपको मिल जाते हैं जो बेचने लायक होते हैं मिनिमम, कम से कम, ठीक है? तो आप लगा लीजिए कि 64 × जो हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं वो 100 रुपये फिक्स लिखते हैं अपना, 100 रुपये आपको एक मोती का देंगे, तो इस हिसाब से 64 lakh rupees हो गए। तो कुल मिला के भाई साहब ने
कुछ 36 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट की थी और मिनिमम 64 लाख रुपीस का रिटर्न इनको मिल जाएगा मिनिमम जो है। मैक्सिमम अगर 60% पे कैलकुलेट करेंगे इसी चीज को तो ये बढ़ जाएगा कुछ, ये कुछ मान के चलिए 1 करोड़ रुपए के आसपास, 80 लाख के आसपास जाएगा करीब। तो आप जितना भी काम करते हैं उसका रिजल्ट आपको इतना ही वैरी करता है। और ये वेरिएशंस कई सारे टेक्निकल रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पॉन्ड का नेचुरल होना और आर्टिफिशियल होना। नेचुरल पॉन्ड में हमेशा एज कम्पेयर टू आर्टिफिशियल पॉन्ड ज़्यादा बेटर रिजल्ट होंगे, क्योंकि उसको जितने भी नेचुरल आपके मिनरल्स चाहिए होते हैं, आयरन, बोरॉन, कैल्शियम, ये सब हमारी मिट्टी में, प्रकृति में मौजूद है, तो आपको अलग से आपको कस्टमाइज करके डालने की जरूरत नहीं। तो ये हमने टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात कर ली। हमारी सर्जरी स्टार्ट हो चुकी है इस पॉन्ड पे। और विकास जी से मैं चाहूँगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि विकास जी अपना प्लीज़ अपना नंबर शेयर कर दीजिए हमारे जो दर्शक हैं, ताकि कल को आप भी इस चीज़ का एडवांटेज ले सकें, ताकि आपके थ्रू जो भी हमें कॉल्स आएंगी तो हम आपको अपने साथ जोड़ना चाहेंगे उस पे। सर, तो अपना थोड़ा सा नंबर शेयर कर लीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9540769921। आप तो आपने जैसे सुना, विकास जी का नंबर आपने नोट डाउन कर लिया है। कोई भी हरियाणा का आदमी हो जो आके देखना चाहता हो बीच में, कभी भी साल भर में, 10 महीने में कैसा काम चल रहा है, ऑब्जर्व करना चाहता हो कि मैं अगले साल करूंगा विकास जी को देख के, एक बार विकास जी का उजाने दीजिए, कोई जल्दी मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, तो अब वैसे भी हम कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं नहीं आगे, अप्रैल तक हमने बंद कर दिया है। और क्या बोलते हैं, अब सिर्फ हम लोग अप्रैल तक जो प्रोजेक्ट हमारे पास है उन्हीं को कंप्लीट करने में लगे। जो सीजन नया स्टार्ट होगा वो अगस्त से शुरू होगा। आप अगर काम करना चाहते हैं मोती पालन का, जो एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय के रूप में उभर के हमारे हिंदुस्तान में आया है, हमारी कंपनी 12 साल पुरानी कंपनी है ऑलमोस्ट, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, आपको पूरा सेटअप लगा के देते हैं जिसमें हम आपको सीप की सर्जनियाँ, न्यूक्लियस, ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करते हैं और आपको हम सारा सेटअप करके देते हैं। आपको तालाब खुदवाना है, ऐसे पॉन्ड लाइन लगवाना है, रेलिंग लगवानी है, पैडल व्हील रेडिएटर, ये सब हम लोग आपको करके देंगे। कैसे होगा, सारे नंबर्स कंपनी का आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, प्लीज़ हमें करने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9711858258। आप मेरे चैनल ग्लिटर आर्टी प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बना होगा, बेल बटन दबा दीजिए, आप तक मेरी जितनी भी नए वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और लास्ट में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे जो ट्रेनिंग का शेड्यूल था काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था और लोग बार बार कह रहे थे कि अचल जी ट्रेनिंग कब होगी कब होगी, तो काफ़ी भीड़ जमा हो गई है। मुझे लगता है शायद इस बार 1000 लोग होंगे करीब ट्रेनिंग के लिए कम से कम। तो जो ट्रेनिंग है वो 16 और 17 मई को रखी गई है राजस्थान सवाई माधोपुर के अंदर। 2 दिन का प्रशिक्षण रहेगा। जो हमारे पुराने क्लाइंट्स होंगे कुछ पेमेंट्स भी की जाएंगी वहाँ पर, तो आपके सामने 1000 लोगों की भीड़ में पेमेंट होगी तो उनको भी ज़्यादा खुशी होगी कि हमारी मेहनत सफल हुई। तो आप ज़रूर आएँ, आपको बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को और कई ऐसे लोगों को मिलने का मौका मिलेगा जो पहले से करते आ रहे हैं सफलतापूर्वक, जिन्होंने रिजल्ट लिए हैं, और जो नए जुड़े हैं वो भी, और जो अब करना चाहते हैं वो भी। तो आप आएँ ज़रूर, 16-17 मई की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अगर आपको इस प्रोग्राम में रजिस्टर करना है और आप चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग लें, तो आप मेरे को कॉल कीजिए। मेरा नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर से बता देता हूँ, 9711858258। कृपया मुझे 11 से 6 के बीच में ही कॉल करें। लोग 6 बजे के बाद कॉल करते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि अचल जी आप फ़ोन नहीं उठाते। भैया सबकी पर्सनल लाइफ होती है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप कृपया 11-6 के बीच में ही कॉल करें और सावधानी पूर्वक इस काम को कीजिए। अच्छा काम है, आने वाले समय में हमारा पूरा एफर्ट है इसे स्किल इंडिया में लाने का, और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, रिटायर्ड, नए लोग, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं, मतलब कर सकते हैं। हम कर्नाटका में बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, जल्दी ही हम गुजरात और कर्नाटका का सर्वे करने वाले हैं। हमारे जो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो कर्नाटका और गुजरात के ही हैं, तो बहुत जल्दी मैं आपको कर्नाटका में मिलूँगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं होली के बाद, 10 तारीख के बाद मैं कर्नाटका और गुजरात का अपना स्टार्ट कर दूँगा। तो आप जो भी लोग पुणे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये आसपास के जितने लोग हैं आप आ सकते हैं, मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं मैं कहाँ हूँ, तो आप आगे मेरा प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं। विकास जी, आप कितने टाइम से हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं? करीब 1 साल हो गया। विकास जी 1 साल हो गया आज आपको, आपने 1 साल लिया प्रोजेक्ट स्टार्ट इनिशिएट करने के लिए, तो आपने इस 1 साल में ऐसा क्या किया जो उसके बाद आपने डिसीजन लिया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसको ज़रूर सुनिएगा। सब पहले मैंने अपनी तरफ से रिसर्च वर्क किया कि किसके साथ जुड़ना चाहिए, कैसे जुड़ना चाहिए, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो सब मैंने जानकारी इकट्ठी की। ओके, उसके बाद मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया। ओके, उसके बाद मुझे भी थोड़ा समय लगा इसको तालाब को बनवाने में और थोड़ा समय लगा इसका पानी वगैरह ठीक करने में। उसके बाद वी आर रेडी टू गो। तो आपने रिसर्च वर्क किया, आपने अच्छे से लोगों को देखा, कुछ लोगों की पेमेंट भी देखी आपने, और मैं बहुत जल्दी विकास जी को अपने साथ एक
अपना रिसर्च वर्क जरूर कीजिए, किससे जुड़ना है, किसके साथ जुड़ना है, उसने आज तक इंडिया में कितना काम किया है, उसके काम में जो रिजल्ट उसने दिए हैं, तो उन लोगों इसका फोन नंबर लीजिए, उनके जाके साइट विजिट कीजिए। किसी भी आदमी पे मेरे ऊपर भी भरोसा मत कीजिए बिल्कुल भी, मैं सबके लिए एक ही बात बोलता हूँ, जिसने काम किया हो, जिसने रिजल्ट दिए हो, आप उनसे जुड़िए। मैं किसी का नाम नहीं लेता कि इसके साथ मत जुड़िए, उसके साथ मत जुड़िए, लेकिन अपना रिसर्च वर्क किए बगैर किसी के पास मत जाइए। कोई आदमी आपको कुछ ज्ञान देगा कि जी अचल जी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये है और वो है, मतलब वो चाहते हैं कि हम सिर्फ इतना बोल दें सामने वाले को कि भैया हम तुम्हारा माल खरीद लेंगे और वो बेवकूफ़ बन जाए और उनके साथ जुड़ जाए और वो 4-5 लाख उल्लू सीधा कर लें। कृपया एग्रीमेंट की कॉपी उनसे मांगिए, उनका GST नंबर मांगिए बार बार, और उनको बोलिए आपने कितना काम किया है, आप प्लीज़ उनके नंबर दीजिए। और किसी पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए जो आदमी ये कह रहा हो कि हम आपका माल बिकवा देंगे। लिखित बाय बैक एग्रीमेंट विद GST नंबर विद कंपनी नेम, इस ये बंदा कहाँ रहता है, इसने कितना काम किया, सब पता कीजिए, तब जुड़िए। उसके बाद चाहे मेरे साथ भी जुड़ेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आज के लिए मेरा संदेश इतना ही था। वैसे आप पीछे देखेंगे कैमरा घुमाएंगे तो हमारे फोगाट साहब मौजूद हैं ये दोबारा आ गए हमारे पास मिलने के लिए, पूरी फैमिली आई हुई है। मैं इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया सर से आपको। सर आप इधर आ जाइए एक बार, आइए सर, आप भी आ जाइए, आइए। ये गिरिंदर फोगाट जी हैं, इनसे मेरी काफ़ी टाइम से बात चल रही थी और एक वीडियो और हमने शूट किया था इनके फादर जी के साथ, तो उस टाइम पे मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया गिरिंदर जी को क्योंकि गिरिंदर जी व्यस्त थे। तो गिरिंदर फोगाट जी बेसिकली आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे अपना, कहाँ से हैं, क्या है? लोग चरखी दादरी से हैं, रावलदीप गाँव पड़ता है। तो ये वहाँ पर 50,000 सीप का एक प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा अपना रिसर्च वर्क किया, काफ़ी सारे टेक्निकल क्वेश्चन किए उनसे कि अचल जी ये क्यों है, ये क्यों है, तो वो बहुत ज़रूरी था ट्रांसपेरेंसी होने के लिए, क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो मैं ये मानता हूँ इन्हीं की तरह आप रिसर्च वर्क कीजिए, पूरी जानकारी उठाइए। जैसे ही मेरे साइट पे आए, इन्होंने देखा, मुझसे 10 बातें की, इनके फादर जी भी आए और काम को जब समझ लिया, हाँ भाई ठीक है अब हमको समझ में आ रही है बात, तब जाकर उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ भाई हम अक्टूबर नवंबर में जब भी हमें समय जैसा रहेगा उस हिसाब से समय के अनुकूल हम अपना काम शुरू कर लेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, गिरिंदर फोगाट जी बेसिकली पहले चीका पालन कर रहे थे और उसमें कुछ थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ आए जिसकी वजह से उन्हें बंद करना पड़ा। तो अब इन्होंने पर्ल फार्मिंग का डिसीजन लिया है। इनके पास 3 तालाब हैं जिसमें आराम से 50,000 सीप के प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। तो गिरिंदर जी मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया अपना नंबर शेयर कर दें ताकि जो भी तालाब आपके पास खाली पड़े हुए हैं उनका मैं वीडियो डाल दूंगा आज, क्योंकि मेरे पास मुझे कंफर्मेशन नहीं थी कि आप काम करेंगे नहीं करेंगे, तो मैं इसे वीडियो डाल लेना चाहूँगा। तो जब आज मुझे कंफर्मेशन हुई है तो मैं एक वीडियो और डाल दूंगा, इनके तालाब वगैरह सब उसमें आपको दिख जाएंगे। गिरिंदर फोगाट के नाम से ही वो वीडियो होगा, आप देख लीजिएगा, मैं आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा उसे। तो अपना नंबर शेयर कर लीजिए सर। नंबर रहेगा मेरा 9068191919। आई रिपीट अगेन 9068191919। सर आपने भी एक नंबर शेयर किया था शायद, वो सेम नंबर था या फिर अलग था? नहीं नहीं अलग है, तो वो भी कर लीजिए 8708805456। तो जैसे इन लोगों ने नंबर शेयर किया है अपना, तो डायरेक्टली मुझे कॉल करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप इनके साथ डील करेंगे ये क्या रेट पे अपना तालाब देते हैं, कैसे देते हैं, फिर भी मैंने इनको सजेशन दे दिया है कि कितना एक वाजिब रेट होना चाहिए तालाब का, उस हिसाब से आप इनसे बात कर लीजिएगा। ये सारी सुविधा से लैस है इनके पास तालाब, पॉन्ड लाइनर लगा हुआ है, बस थोड़ा सा उसमें खुदाई करवानी पड़ेगी, उसका वीडियो देख के आप समझ जाएंगे। पैडल व्हील एरिएटर, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, पानी की सुविधा एकदम कंप्लीट है, बस उसमें शायद मेरे हिसाब से खुदाई और पॉन्ड लाइनर थोड़ा एक्सटेंड कराने में मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपये का खर्चा आएगा, बाकी एकदम परफेक्ट है, कोई जरूरत नहीं हमें कुछ करने की, राइट? तो आप गिरिंदर जी को या उनके फादर को, पिताजी को कॉल कर लें, बात कर लें, साइट विजिट करना चाहना चाहें तो कर लें, इनका भी साइट स्टार्ट होगा तो आप हो सकता है आपका भी साथ में ही स्टार्ट हो जाए। तो आज के लिए मेरा संदेश इतना ही है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और हमारा भारत देश बहुत उन्नति कर रहा है और ऐसे व्यवसायों से जुड़कर इसे और आगे लेके जाना है। और मेरी भारत सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है, हर आदमी जो मेरे पास आता है बार बार एक ही बात बोलता है मुझे, अचल जी भारत सरकार से क्या मदद मिलेगी, सब्सिडी है कि नहीं? तो मैं फिर से एक बार भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ, मोदी जी से भी और हरियाणा में जो हमारे CM हैं उनसे भी, कि कृपया आप मोती पालन के अंदर सब्सिडी लेके आएं। हमारी कंपनी जोर शोर से लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, हम उनका पूरा सेटअप लगवाते हैं, उनका माल खरीदते हैं, फिर आगे बेचते हैं, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो आप भी अपनी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से मेरी गुजारिश है कि आप इसमें सब्सिडी लाएं, ताकि किसान जो चीज़ आज 14-15 लाख रुपए में कर रहा है, जिसकी कॉस्टिंग इतनी हाई आ रही है, जबकि रिजल्ट इतने अच्छे हम दे रहे हैं, फिर भी तो वो 6-7 लाख रुपए पे आ जाए, ताकि करना आसान रहे और ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, निरंतर मेरी वीडियोस पे ऐसे ही बने रहिए, मैं आप तक नए नए संदेश पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।